क्या बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कंटेस्टेंट सच में रट्टा मार के आए हैं? क्या सना मकबूल सच में रट्टा मार के आई है? भाई अगर ऐसा होता तो सोशल मीडिया पर कुछ तो बात होती कि ये तो रट्टेबाज लोग हैं जो रट्टा मार के आए हैं। पर अनिल कपूर को इस बार क्या स्क्रिप्ट दी गई है भाई, क्या स्क्रिप्ट दी गई है? स्क्रिप्ट में ऐसी ऐसी बातें बोल दी गई जो कि ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं इस चीज पे एग्री ही नहीं कर रही है। अगर ऑडियंस में से कुछ चंद लोग एग्री भी करते होंगे तो मैं तो उन लोगों को ये बात बोलूंगी, भाई मैं तो ना करती इसके ऊपर एग्री, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी बातों के ऊपर एग्री जरूर करते हैं। अभी ये बात है कि लोग रट्टा मार के आए हैं। अब जो एक गेस्ट आई थी अनिल कपूर के साथ, ये सब वीकेंड के वार होने के बाद जब एक गेस्ट आई थी, तब उनसे पहले यही सवाल पूछा गया था कि आप बताओ कि ऑडियंस ये मतलब कि कैसे हैं कंटेस्टेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मतलब कि गेम के लिए सोच के आए हैं, प्रिपेयर होके आए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अलग दिखाई दे रही हैं और ये बात सच है। रट्टेबाज तो ये कंटेस्टेंट लग नहीं रहे हैं, ये अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आए हैं, अपने माइंड को एकदम स्ट्रांग बना के आए हैं कि हमें यहाँ पर गेम खेलनी है, ये बात सही है। बट पुरानी चीज़ों को रट्टा लगा के फिर दोबारा से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रही हैं, ऐसा तो भाई कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। और सना मकबूल को ये बात बोली कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं खाने को लेके कि आपको टाइम टू टाइम खाना मिले, वैसे सब चीजें जो है दूसरों के भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, पर आप एक अलग तरीके से जाके एक अलग ऐसा फील करवा रही हैं कि आप अलग दिखाई दे। तो रट्टा जो है आपने पिछली चीजों का रट्टा जो है यहां पर लगाया है, ये चीजें जो है यहां पर अनिल कपूर ने बोली। तो भाई मैं तो यही बात बोलूं कि ना तो बाहर की ऑडियंस ने ऐसी चीज को नोटिस किया कि सना मकबूल ने या बाकी घर वालों ने रट्टा लगाया है। अगर ऐसी चीजें ऑडियंस ने नोटिस की होती या रट्टा लगा के आए होते तो सोशल मीडिया पर बातें तभी के तभी चालू हो जाती जब सना मकबूल ऐसी रट्टेबाज वाली चीजें करती। जब शिवानी कुमारी ने ये लंगड़ाने वाले ड्रामा किया तभी के तभी सोशल मीडिया पर ये चर्चा होने शुरू हो गई। ट्विटर पे भाई हैशटैग बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में जाते आप उस वक्त, तब वहां पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि ये तो फेक कंटेस्टेंट है, शिवानी फेक कर रही है, शिवानी ऐसी शिवानी वैसी, हम तो इसको सपोर्ट कर रहे थे अब इसको सपोर्ट ना करेंगे। तब ये होता है रिएक्शन कि हाँ जनता जो है तभी के तभी रिएक्ट जो है वो करती है, जनता तभी के तभी बोलती है। पर यहां पर अनिल कपूर पता नहीं क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मेकर्स पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इस बार के कंटेस्टेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है और वो जो है एक अलग ही ऑरा जो है वो लेके आए हैं, सबकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, कोई रट्टेबाज तो नहीं लग रहा है, कोई भी रट्टेबाज नहीं लग रहा है। ये पॉइंट जो है मेकर्स ने स्क्रिप्ट में एवी डाल दिया होगा कि बोलो चलो भाई बोल दो, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, ऑडियंस थोड़ी भड़क जाएगी या जिस जिसको वो प्यार करती है उसके बारे में वो सपोर्ट लेके सोशल मीडिया पर कुछ तो बात कर लेगी, जैसे कि मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेकर्स अगर गलती करते हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है क्योंकि मुझे गॉसिप्स जो मिलते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।